आपके साथ शेयर करूंगी न्यू अपडेट्स रिगार्डिंग न्यू सेशन एंड न्यू ईयर 2021 से रिलेटेड। 2020 का ये जो ईयर है अपना पास आउट हो रहा है धीरे धीरे। जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स नीट के दिए थे उनकी नीट की काउंसलिंग स्टेट की हम कह रहे हैं, स्टेट की काउंसलिंग नियरली कंप्लीशन के स्टेज पे है। आयुष काउंसलिंग कुछ स्टेट में स्टार्ट हो गई है और कुछ स्टेट्स में जैसे कि हम देख रहे हैं यूपी में, हरियाणा में, बिहार में अभी स्टार्ट होना है, तो बच्चे वहाँ पे आयुष काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। और वही दूसरी तरफ नए जो 2021 का अपना न्यू ईयर रहेगा उसके लिए एग्जाम्स के नोटिफिकेशन रिलीज होना भी स्टार्ट हो गए हैं और उसी न्यू एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशंस, उनका एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, वो भी अपडेट्स में अब आपके साथ शेयर करना स्टार्ट करूंगी। हालांकि मैं आप सभी स्टूडेंट से मेनली सब्जेक्ट वाइज ही जुड़ी थी, बट स्लोली स्लोली आपके डिमांड के साथ मैं आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स शेयर करना स्टार्ट किए मैंने और आपने बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स उसका प्रोवाइड किया है, तो आयुष काउंसलिंग से लेटेस्ट अपडेट शेयर करना इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे MHT CET का 2021 के लिए जो न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है उस बारे में। चैनल पर अगर आप न्यू हैं सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड आल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर न्यू अपडेट्स। सेकेंडली, लाइव सेशंस 9 AM to 10 AM डेली बायोजोम क्लासेस के चैनल पे ही इसी पे स्टार्ट है, सो स्टूडेंट्स जो भी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं जो 2021 में अब अपीयर होंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, उन सभी स्टूडेंट्स को कहूंगी कि वो मेरे लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं मॉर्निंग में 9 AM to 10 AM। आज हम डिस्कस करने वाले हैं MHT CET का नोटिफिकेशन। क्या है ये नोटिफिकेशन? तो यहाँ पर MHT CET के इस नोटिफिकेशन में जो 2021 में एग्जाम का पैटर्न होगा उस पैटर्न को डिक्लेयर कर दिया गया है या हम कह रहे हैं रिलीज कर दिया है, और पैटर्न के साथ साथ आप सिलेबस के बारे में भी क्लियर क्लियर स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे, तो सिलेबस में याद रखिए जो क्लास 11th का सिलेबस है वो ओनली 20% होगा एंड क्लास 12th का सिलेबस है वो टोटल 80% सिलेबस कवर करेगा MHT CET का। दूसरा आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो सिलेबस हम डिस्कस करते हैं ये सिलेबस टोटल महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है और सिलेबस आपका मेनली COVID-19 के कारण जितना भी पोर्शन रिड्यूस हुआ है उस पोर्शन को MHT CET 2021 के सिलेबस में एक्सक्लूड कर दिया गया है, या आप कह सकते हैं कि रिड्यूस्ड पोर्शन अब आपका इंक्लूड नहीं होगा। जो पोर्शन आप बोर्ड एग्जाम्स में 2020 में पढ़ेंगे वही पोर्शन आपका होगा MHT CET के सिलेबस के लिए फॉर क्लास 12th। क्लास 11th के सिलेबस को भी रिड्यूस किया है और कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस में सेपरेटली मेंशनड है उसके लिए आपको नोटिफिकेशन को MHT CET के साइट पे जाके डाउनलोड करना होगा, तो 11th का सिलेबस भी आपके पास वहां पे अवेलेबल है। डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो क्लियरली मेंशनड है कि डिफिकल्टी लेवल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए JEE के लेवल का होगा एंड जो बायोलॉजी का पेपर है बायोलॉजी के पेपर के लिए डिफिकल्टी लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे वो नीट की डिफिकल्टी लेवल के लिए होंगे। सो ऑल द स्टूडेंट्स जो भी MHT CET में पार्टिसिपेट होना चाहेंगे और अपना टेस्ट वहां पर प्रिपेयर करेंगे तो वो इन्हीं डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को प्रिपेयर करेंगे। सेकेंडली, यहाँ पर जो पैटर्न रिलीज हुआ है बोर्ड पे मैंने आपके लिए लिख के रखा हुआ है पैटर्न। पैटर्न में आप देखिए 3 पेपर
पेपर्स आपके हैं एमएचटी सीईटी के 2021 में मैथमेटिक्स, सेकंड पेपर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कंबाइंड है एंड थर्ड पेपर आपका बायोलॉजी का है। ये बेसिकली मैं फार्मेसी में जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है उनके लिए डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ क्लास 11th से आपको मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 10-10 क्वेश्चंस होंगे एंड बायोलॉजी सेक्शन में फ्रॉम क्लास 11th 20 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे एंड फ्रॉम क्लास 12th अगर आप बात कर रहे हैं सो मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 40-40 क्वेश्चंस आते हैं और बायोलॉजी में 2021 में आपके 80 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द क्लास 12th सिलेबस। सेकेंडली मार्किंग अगर आप देख रहे हैं तो मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन है एवरी क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है इन दैट वे 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा पेपर 1 का आपका। सेकेंड जो पेपर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के हैं तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो 1-1 मार्क्स के होंगे एंड कंबाइंडली जो आपका सेकेंड पेपर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का है दैट इज ऑल्सो फॉर 100 मार्क्स। थर्ड आपका बायोलॉजी का है, बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 100 मार्क्स टोटल इसको भी प्रोवाइडेड है। एवरी पेपर के लिए या एवरी सेक्शन के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। ये डिटेल इंफॉर्मेशन एमएचटी सीईटी के साइट पे आपको अवेलेबल है और इसके बाद आपको दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं है एंड सेकेंडली जो 11th क्लास का पोर्शन इंक्लूड होगा उस पोर्शन को भी वहां पे शो किया गया है। तो ये स्टूडेंट सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2021 में न्यू जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो नोटिफिकेशंस रिलीज होना स्टार्ट होंगे वो नोटिफिकेशन भी हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। आज का सेशन एमएचटी सीईटी के साथ हम लोगों ने देखा है। न्यू सेशन में एक न्यू टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट्स मुझे अवेलेबल होंगे वो न्यू अपडेट्स हम फिर डिस्कस करेंगे क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी जो कनेक्ट हैं वो आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेरीज कर रहे हैं। तो जो भी क्वेरीज आपकी होंगी वो आप क्वेरीज मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। टाइम टू टाइम सभी क्वेरीज के आंसर्स प्रोवाइड करने की मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। एमपी में, छत्तीसगढ़ में प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और महाराष्ट्र में भी आयुष की जो प्रोसेस थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। ऑल इंडिया काउंसलिंग की हम देख रहे हैं तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में हमने देखा है कि जो आयुष काउंसलिंग की प्रोसेस है उसका सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जैसे भी न्यू अपडेट्स हमको और अवेलेबल होंगे आई डिस्कस विथ यू। सो ऑल ऑफ यू अप टू नेक्स्ट सेशन, स्टे मोटिवेट, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्ट विथ बायोजोन क्लासेस।